बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन वाला किचन। मैं आज बन रहा है बड़े मज़ेदार सा चिकन पिता ब्रेड सैंडविच। चिकन पिता ब्रेड सैंडविच के लिए मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, बंद गोभी, चिकन, टमाटर, स्वीट कॉर्न और चीज़ और धनिया, ठीक है जी। और सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऑफ ऑफ ली हैं। देन हमने क्या किया है, एक ग्रिल पैन ले लेना है और उसके अंदर हमने डाला है 2 टेबल स्पून बटर और इसके साथ हमने लिया है पिता ब्रेड, जिसको एक ब्रेड पूरी ली है। देन इसके अंदर हमने डाला है चिली गार्लिक सॉस, अगर आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते हैं तो, ठीक है जी। देन हमने इसके अंदर डालना है चिकन पाउडर, इसके फ्लेवर इन्हेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी मसाले नहीं ऐड होते, तो इसके लिए मैंने डाला है चिकन पाउडर। क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ी मशहूर जगह से मैंने जो ये खाया था और मुझे बड़ा ही टेस्टी लगा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मसाला जो है ना उसमें कम रखे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। देन इसके अंदर हमने डाला है 1/2 टेबल स्पून भर के चिकन टिक्का मसाला, ठीक है जी, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और मैं थोड़ा और डालूंगी, अगर आप चाहें तो कम डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्पाइसी खाती हूँ तो मैं ज़रूर डालती हूँ। देन इसको हमने सबको चमची की मदद से जो है मिक्स कर लेना है। जब तक मैं मिक्स करूँ तब तक आपने क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हर चीज़ मत भूलिएगा, ठीक है जी। देन हमने क्या किया है, ये देखें आ गए हमारे पास बंद गोभी, और इस पॉइंट पर मैंने जो है फ्लेम चूल्हे की बंद कर दी थी, इसीलिए मैं फ्राई पैन में से ग्रिल पैन में से इजीली जो है वो डाल सकती हूँ सारी चीज़ें, ओके। और इसके बाद जो है टमाटर मैंने इस शेप में काटे थे, तो टमाटर मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़े बीच में से निकाल लिए थे। चिकन डालना है स्वीट कॉर्न, क्योंकि वो तो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है ना, तो उसको तो मैंने ज़रूर डालना है हर चीज़ में। और उसके साथ मैंने डाला है कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो होती है वो, और ये भी मेरी फेवरेट है। और इसके बाद जो है अगेन मैंने जो है सारी चीज़ों को समेट लिया है, क्योंकि आगे पीछे जो है वो गिर ही जाती हैं। फिर मैंने जो है दूसरी पिता ब्रेड ली है और इसके ऊपर भी मैंने दोबारा से चिली गार्लिक सॉस लगाया है, अगर आप चाहें तो टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, दोबारा बता रही हूँ। और जब तक मैं ये करूँगी तो आपने क्या करना होगा पता है ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बस सिंपल। और ये है हमारा चिकन का मसाला, दोबारा से मैंने लगाया और इसको मैंने लगा देना है उसके ऊपर ढक्कन, पिज़्ज़ा का ढक्कन होता है ना, इस तरीके से हमने जो है इसके अंदर ढक्कन लगा देना है और ये हमारा सैंडविच इस तरीके से रेडी होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने हाई फ्लेम करनी है और ये देखें ग्रिल के निशान आ गए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।